वक्त बहुत बड़ी खबर आप सभी को हम साझा करने जा रहे हैं। सत्येंद्र जैन का एक वीडियो आया है तिहाड़ जेल के अंदर से मसाज कराते हुए। जी हां, तिहाड़ जेल के अंदर से सत्येंद्र जैन का वीडियो सामने आया मसाज कराते हुए। जरा ध्यान दीजिए और देखिए, इसमें लिखा हुआ है, इसमें 13 सितंबर 2022 का यह वीडियो है। देखिए जरा किस तरह से सत्येंद्र जैन जेल के अंदर आराम से लेटे हुए हैं, वीवीआईपी ट्रीटमेंट है और मसाज करा रहे हैं। चलिए सीधा रुक कर लेते हैं अरविंद ओझा का, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अरविंद, ये अपने आप में तस्वीरें तो बहुत चौंकाती है, किस तरह से जो माननीय है किस तरह से ये अपने पावर का दुरुपयोग करते हैं, ये तो वीडियो उसका उदाहरण है। मसाज करा रहे हैं मंत्री जी पूर्वा जी? बिल्कुल, देखिए ये आरोप प्रवर्तन निदेशालय ने लगाया था और कि जो सत्येंद्र जैन है वो चूंकि जेल मंत्री भी हैं और उन्हें तमाम सुख सुविधाएं मिल रही हैं, वो बॉडी मसाज कर रहे हैं, उनको कट फ्रूट दिया जा रहा है, उनसे बाकी जो दूसरे आरोपी हैं उस उनके केस से जुड़े हुए वो मिल रहे हैं, जिसके बाद एविडेंस के तौर पर तिहाड़ जेल का तमाम सीसीटीवी फुटेज दिया गया था। वहीं जो दलील दूसरी तरफ से ये भी आई थी कि चूंकि वो जेल के अस्पताल में है और एक जेल प्रशासन किसी मरीज को अगर कोई कष्ट होता है, कोई बीमारी होती है तो वो उनको ट्रीटमेंट देते हैं, तो दूसरी दलील ये भी थी। लेकिन ये चौंकाने वाला सीसीटीवी फुटेज है जो ईडी ने जिसका खुलासा किया था। और मैं आपको बताऊं, जब ये पूरा मामला संज्ञान में आया था तो एलजी ने बकायदा कमेटी बैठाई थी, जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद तिहाड़ जेल के अधिकारियों पर एक्शन भी हुआ था। कुल 58 जो कर्मचारी हैं जेल के उनका तबादला दूसरे जेल में कर दिया था। लेकिन ये तस्वीरें आप आज तक पर देख पा रहे हैं जिसमें जो सत्येंद्र जैन है, दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, वो बकायदा जेल के अंदर जो जेल का अस्पताल है उसमें मौजूद है और उसमें। अरविंद, ये वीडियो अब तो सामने आ चुका है, इस पर राजनीति निश्चित तौर पर और गरमाएगी। सत्येंद्र जैन पर पहले ही आरोप लगते रहते हैं, आम आदमी पार्टी इसको लेकर निशाने पर भी रही है और भारतीय जनता पार्टी को एक और हमला करने का मौका मिल गया होगा एमसीडी चुनाव से ठीक पहले। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आशुतोष। मैं और आपको बताऊं कि जब से ये पूरा मामला है सत्येंद्र जैन को लेकर, एक तरफ जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं उनका कहना है कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, ईडी का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है। वहीं अरविंद आपका हम रुक कर रहे हैं, शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शहजाद, आम आदमी पार्टी पर अक्सर हमले होते रहे हैं, आरोप लगते रहे हैं, लेकिन ये वीडियो, ये सीसीटीवी फुटेज, ये तो जीता जागता सबूत है आपके पास? देखिए, जिसको मिलनी चाहिए थी तिहाड़ में सजा वो ले रहा था वीवीआईपी ट्रीटमेंट का मजा। आज ये सामने आ चुका है कि किस प्रकार से तिहाड़ जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार वसूली कंपनी भी चला रही थी, सुकेश से वसूली भी कर रही थी और वीवीआईपी मसाज सेंटर भी चला रही थी, जिसमें कि एक व्यक्ति जिसको हवालेबाज माना गया है, 5 महीने से बेल नहीं मिलती है, वो वीवीआईपी मजा ले रहा है, ट्रीटमेंट ले रहा है, लग्जूरियस लाइफ जी रहा है, उसे वहां पर किस प्रकार की सुविधाएं मिल रही है, सारी चीजें आपके सामने है। अब सवाल ये बनता है कि क्या अरविंद केजरीवाल इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्या इनको मंत्री पद से हटाएंगे, या मंत्री इसीलिए बनाए रखा है ताकि वो इस प्रकार की उगाही भी कर सके और मसाज ट्रीटमेंट भी ले सके, ये उनको जवाब देना है। आज तिहाड़ जेल जो आम आदमी पार्टी की सरकार के नीचे आती है उसको जवाब देना होगा कि किस प्रकार से ये सारी चीजें चल रही थी। क्या ये सुख सुविधा अन्य कैदियों को भी मिलता होगा शहजाद, आपको लगता है? ये तो आप अरविंद केजरीवाल जी से ही पूछे, उनकी सरकार है वहां पर। ये आपको लग रहा है ये जेल है या फिर 5-स्टार होटल, पूरी व्यवस्था है या तो मसाज की? देखिए, ये दिखाता है कि जो लोग आम आदमी पार्टी और आम आदमी की बात करते हैं वो किस प्रकार से क्रिमिनल्स को वीवीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं और किस प्रकार से संरक्षण करते हैं भ्रष्टाचारी हवालाबाजों का और किस प्रकार से उगाही करते हैं जेल के भीतर, वसूली करते हैं जेल के भीतर, वो भी ठगों से, तो ये कितने बड़े महाठग है वो भी आज सामने आ चुका है। आप आरोप तो लगा रहे हैं, पार्टी आरोप लगा रही है बीजेपी, लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि दरअसल अभी थोड़ी देर के बाद देखेगा स्टेटमेंट भी आ जाएगा कि वो तो कुछ ट्रीटमेंट ले रहे थे। नहीं, जो भी ट्रीटमेंट है, क्या ये ट्रीटमेंट इस प्रकार की लेना अलाउड है या नहीं अलाउड है, वो केवल और केवल आम आदमी पार्टी की सरकार ही बता सकती है और वो बता सकती है कि क्या वसूली करना भी ट्रीटमेंट का हिस्सा था या उसके पीछे और कोई राज थे, वो खुलकर बताए और पहले तो बताए कि क्या एक मंत्री को बनाए रखा जा सकता है या उसका इस्तीफा होगा और उसको ट्रांसफर किया जाएगा। इस घटना को लेकर आम आदमी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड, क्योंकि अभी दिल्ली में एमसीडी चुनाव भी है और हमेशा पल्ला झाड़ती रही है आम आदमी पार्टी सत्येंद्र जैन और उनके नेता मंत्री, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब क्या इसको मुद्दा बनाएगी एमसीडी चुनाव में?
मुझे लगता है ये चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये नैतिकता का और प्रामाणिकता का एक मुद्दा है कि क्या आज जो भ्रष्टाचार करते हैं, जिनको बेल नहीं मिल रही है कोर्ट की तरफ से, क्या ऐसे लोगों को मंत्री बनाए रखना ताकि वो वसूली कर सके और वीवीआईपी मसाज ले सके, ये क्या जायज है? शहजाद, हमसे बातचीत करने के लिए, आपने अपने पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। और ये तस्वीर आ गई है, देखिए जेल में केजरीवाल के मंत्री की किस तरह से आयश है। अरविंद केजरीवाल पर आरोप लग रहे हैं और इस बीच अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे सहयोगी। अरविंद, इस वीडियो के बाद हम देख रहे हैं कि प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है, भारतीय जनता पार्टी ने तो साफ तौर पर हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है, इसको लेकर और किस तरह की सियासत देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए इस पर पॉलिटिक्स तो बहुत पहले से चल रही है, जब से ईडी ने इस बात का खुलासा किया है। बीजेपी हमलावर उसी वक्त से हो गई थी और बता रही थी कि पहले किस तरीके से जो तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद चूंकि जो सत्येंद्र जैन है वो खुद जेल मंत्री भी हैं, तो ऐसे में फिर उनको दिल्ली के तिहाड़ जेल में रखने का क्या मतलब है। और बकायदा इसको लेकर बीजेपी के नेताओं ने ये मांग भी की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, खुद मीनाक्षी लेखी ने कहा था कि सत्येंद्र जैन को दिल्ली से बाहर किसी दूसरे जेल में रखना चाहिए। वहीं जो अरविंद केजरीवाल है, जो आम आदमी पार्टी है, उनका कहना है कि इस वक्त वो जेल मंत्री नहीं, वो आरोपी है और जेल के सलाखों में बंद है, तो फिर वो मंत्री माने जाए या फिर आरोपी? और इस तरह की ट्रीटमेंट वीआईपी जो मिल रहा है वो तो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है, दूसरे कैदियों को भी इस तरह की सुविधा मिलती होगी क्या? नहीं बिल्कुल, देखिए जो सत्येंद्र जैन है वो रसूखदार है और उनको जेल मंत्री भी रहे हैं, आरोपी भी हैं, लेकिन उनको सुख सुविधाएं मिल रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो तिहाड़ जेल जेल है उस पर सवाल नहीं उठते रहे हैं, और भी तमाम कैदी हैं, हालांकि इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं, लेकिन ट्रीटमेंट मिलता रहा है और रह रहकर ये तमाम खबरें वो हम लोग तक पहुंचती हैं, मीडिया तक पहुंचती हैं कि जेल में कैदी मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और शायद यही वजह है आशुतोष कि 58 जो जेल प्रशासन से जुड़े लोग हैं उनका तबादला हुआ है कुछ दिन पहले ही। एलजी ने बकायदा इंक्वायरी बिठाई थी जब यह मामला सामने आया था और उसके बाद एक्शन हुआ था, लेकिन इस चीज पर सियासत बहुत गर्म है। और एमसीडी इलेक्शन के ठीक पहले इस सीसीटीवी के आने का मतलब आप आशुतोष समझ सकते हैं कि किस तरह से सियासत जो है वो गर्म होगी। आपने सुना होगा शहजाद पूनावाला को, तो अब इस पर राजनीति ही गर्माएगी पुरजोर तरीके से। वहीं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का कहना है कि कट्टर ईमानदार पार्टी है और जो लोगों का दुरुपयोग, आम जनता है भारत की अरविंद। और देखिए एक ये भी बता दें, जरा हम एक बार फिर से दर्शकों को ये तस्वीर दिखा दें, नेताजी किस तरह से सत्येंद्र जैन जेल के अंदर हैं, कहने को जेल में सलाखों के पीछे हैं, लेकिन हैं जेल मंत्री और किस तरह से मसाज लिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये पैर भी दबाया जा रहा है, और इस तरफ देखें तो मिनरल वाटर्स की तमाम जो बॉटल्स हैं वो भी आपको नजर आ रही हैं। वीवीआईपी ये देखिए, अब चंपी मसाज सब कुछ आप देख सकते हैं। 13 सितंबर का ये वीडियो बताया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया था, आरोप लगाए गए थे, लेकिन अब तो सबूत साक्ष्य भी है। और अरविंद, कहीं ना कहीं जो भारत की जो जनता है वो सवाल उठाती है, जो कि लाजमी भी है। अगर आप मान्यवर हैं, आपके पास पावर है, तो आप जेल के अंदर भी सारी सुख सुविधाओं का भोग कर सकते हैं, लेकिन आम कैदी किस तरह से उनकी जिंदगी होती है ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं। देखिए अब चार लोग आपको नजर आ रहे हैं, दो कपड़े बदल दिए हैं। अब ये जो तस्वीरें हम पहले दिखा रहे थे 13 सितंबर का वीडियो, अब ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, ये नया वीडियो है 21 सितंबर का। अब इसमें चार लोग नजर आ रहे हैं, सत्येंद्र जैन जहां पर मौजूद हैं। अरविंद, किस तरह से अभी आप इसको देखकर बताएंगे? तो बिल्कुल, देखिए आप इसमें अगर देखेंगे तो बकायदा सत्येंद्र जैन लेटे हुए हैं और तमाम जो दस्तावेज है वो पढ़ रहे हैं। एक नीचे शख्स है वो बकायदा पैरों की मालिश कर रहा है और इस तरह के कई सीसीटीवी, एक नहीं कई सीसीटीवी जो फुटेज है वो जो ईडी है उसने सीज किए थे, जिसमें ये आरोप भी लगाया था कि ये कैसे हो सकता है कि एक आरोपी उसी केस से जुड़े दूसरे आरोपी से जेल में मिल रहा है। इसके अलावा जो तिहाड़ जेल में उनकी पत्नी, सत्येंद्र जैन की पत्नी, वो भी सत्येंद्र जैन से मुलाकात करती है घंटों, और उसके अलावा जेल का एक सुपरिटेंडेंट है वो भी आकर मुलाकात करता है। तमाम केस को लेकर जो डिटेल्स है उस पर चर्चा होती है, तो इस तरह के ईडी ने आरोप लगाए थे। चूंकि ईडी के पास ये केस था और ईडी को केस मजबूत कर रहा है, इसलिए जाहिर सी बात है वो तमाम आरोपियों पर अपनी पैनी निगाह रखती है। तो ऐसे में ये सवाल ईडी ने उठाया था कि अगर केस चल रहा है तो ऐसे में किस तरीके से केस को खराब किया जा सकता है, केस में एक तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ये आरोप लगाया था प्रवर्तन निदेशालय ने। और एक नहीं कई सीसीटीवी फुटेज सबूत के तौर पर पेश किए थे। तिहाड़ जेल प्रशासन पर भी बहुत बड़े सवाल खड़े करता है ये वीडियो। अरविंद, जांच की आंच होगी अधिकारियों पर भी? जी बिल्कुल, देखिए जांच की आंच होगी और
आपको जैसा कि बताया कि जब एलजी ने बकायदा इंक्वायरी बैठाई थी तो जेल के कुछ अधिकारियों समेत 58 जो जेल प्रशासन से जुड़े लोग हैं उनका तबादला किया गया, उनका हेरफेर किया गया और तिहाड़ जेल प्रशासन के संज्ञान में ये सीसीटीवी फुटेज भी है। मैं आपको बताऊं, बकायदा जो तिहाड़ जेल के सूत्र है उन्होंने बताया कि ये जो वीडियो है ये हमारे संज्ञान में है, हमने इसको लेकर एक्शन लिया है, कार्रवाई की है। लेकिन फिर वही सवाल, अब इस सीसीटीवी फुटेज को लेकर सियासत गरमाएगी। और मैं आपको बताऊं, लगातार जो जेल में बंद सुकेश है उसने भी पिछले दिनों आपने देखा होगा तो किस तरीके से एक के बाद एक चिट्ठी लिखकर उसने हमला किया था, उस पर भी बीजेपी ने हमला बोला था। लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज एमसीडी इलेक्शन के पहले आना जाहिर सी बात है। जेल के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो जेलर हैं, जो डीजी हैं, क्या उनको ये जानकारी नहीं होती कि नीचे के अधिकारी जो उनके कर्मचारी हैं किस तरह से ये अगर किसी वीवीआईपी को ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उनको क्या भनक नहीं लगती होगी? बिल्कुल भनक लगती होगी, बिना मिली भगत के। तो देखिए आपको बताऊं, जेल में बिना मिली भगत के पन्ना भी नहीं, पत्ता भी नहीं हिलता है आशुतोष। और आपको एक बात बताऊं कि तिहाड़ जेल में तो काफी जैमर लगे हुए हैं, इतने ज्यादा जैमर है वो सिर्फ मोबाइल कोई चला ना पाए उसको लेकर, लेकिन बिल्कुल धड़ल्ले से तिहाड़ जेल में मोबाइल चलता है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता है जो तिहाड़ जेल के डीजी थे संदीप गोयल, उनका तबादला किया गया, ये आपको याद होगा। दूसरे डीजी जो है वो अपॉइंट किए गए हैं। ये जो तमाम केस आए थे, खासतौर पर सुकेश का, उसके बाद फिर सत्येंद्र जैन का केस आया, सुकेश का आया कि उसने जेल से 200 करोड़ से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया। उसके बाद जब सत्येंद्र जैन का केस आया था उसका खुलासा किया था ईडी ने, उसके कुछ दिनों के बाद ही जेल के डीजी का तबादला किया गया। दर्शकों को तस्वीरें दिखा दें और जरा बयां कर दें, क्योंकि स्क्रीन पर जो दर्शक अभी देख रहे हैं इसमें चार शख्स नजर आ रहे हैं सत्येंद्र जैन के अलावा, चार लोग नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं सत्येंद्र जैन के एक जो बगल में बैठा हुआ है उनका हाथ दबा रहा है, एक ठीक उनके पैर के बराबर में बैठा हुआ है शख्स, वो बातें कर रहा है। अब देखिए फिर से ये तस्वीर, अब ये एक शख्स इसमें नजर आ रहा है। अलग अलग दिन की ये तस्वीरें हैं, एक 13 सितंबर, एक 14 सितंबर और एक है 21 सितंबर। मिनरल वाटर रखा हुआ है, सारी सुख सुविधाएं, सामने टीवी भी लगा हुआ है, सत्येंद्र जैन देख रहे हैं और पैर आराम से दबाया जा रहा है, मालिश हो रही है, मसाज हो रहा है, चंपी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और बगल में नेताजी के ठीक टीवी का जो रिमोट है वो भी बैठ लिए हुए हैं, रिमोट पर उनका हाथ है और टीवी चल रहा है सामने। देखिए ये कमरा, ये जेल है दरअसल, ये कोई और होटल नहीं है, ये जेल है। अब देखिए, अब उल्टा लेट गए हैं नेताजी, अब मसाज की पूरी तैयारी है, किस तरह से अब आरोप लग रहे हैं और दर्शक और जो तमाम जो जनता है वो सवाल उठाते हैं माननीयों पर, तो आखिर क्यों ना उठाएं, लाजमी है। अरविंद ओझा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अरविंद, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं, बहुत कुछ बयां कर रही हैं। निश्चित तौर पर चूंकि अब एमसीडी का चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी को ये वीडियो समेत कुछ सबूत भी मिल गए हैं, तो और ये हमला अभी हमें देखने को मिलेगा और आम आदमी पार्टी इस वक्त इसको लेकर बैकफुट पर। नहीं, बिल्कुल बैकफुट पर, लेकिन देखिए आपको बताऊं, जब ये तमाम चीजें आई थी बाहर पब्लिक डोमेन में, ये जानकारी आई थी और ईडी ने जब खुलासा किया था उसके बाद उस वक्त जो तत्कालीन डीजी थे संदीप गोयल, उनसे हमारी जब बात हुई, उनका कहना है कि जेल में ट्रीटमेंट दिया जाता है तमाम कैदियों को, बाकी कैदियों को जरूरत के हिसाब से। और आम आदमी पार्टी भी यही कह रही है कि जेल के अंदर कैदियों को जरूरत के हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन एक के बाद एक कई सीसीटीवी फुटेज थे, आप इग्नोर करिए, जिसमें सत्येंद्र जैन अपनी पत्नी से मिल रहे हैं, सत्येंद्र जैन अपने को अक्यूज से मिल रहे हैं, तो वो कैसे मुमकिन है ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और जब एक के बाद एक तमाम तिहाड़ जेल से चार शख्स नजर आ रहे हैं, चार शख्स नजर आ रहे हैं और अलग अलग जो वीडियो वो सीसीटीवी फुटेज हमें देखने को मिल रहा है, अलग अलग तारीख की 13, 14, 21 सितंबर, ये इसमें तो चार लोग नजर आ रहे हैं जो मंत्री जी को एंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन ये वीडियो तो बहुत ज्यादा चौंकाता है अरविंद, ये तो बहुत बड़ा खुलासा है। चौंकाता है, और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि ईडी ने क्या क्या आरोप लगाए। ईडी ने आरोप लगाए सत्येंद्र जैन को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, वो मसाज कराते हैं, उनको कटसूट दिया जाता है, उनसे को अक्यूज मिलते हैं, उनसे उनकी पत्नी मिलती है। तो इस एक सीसीटीवी फुटेज नहीं है, ईडी ने कड़ी मशक्कत की थी, उनको इनपुट्स मिला था, जिसके बाद तिहाड़ जेल में जहां पर सत्येंद्र जैन बंद थे वहां के तमाम बैरक के सीसीटीवी फुटेज सीज किए गए थे। तो एक नहीं, कई आरोप, जिसमें बहुत संगीन आरोप ये भी लगाया गया था कि अपने को अक्यूज से मिल रहे हैं, तो इस तरह के कई आरोप लगाए थे। और अब तो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया, जिसमें अगर आप देखिए तो बाकायदा सत्येंद्र जैन लेटे हुए हैं,
किताबें पढ़ रहे हैं, एक शख्स बकायदा पैरों की मालिश कर रहा है, मसाज करा रहा है, और यही आरोप लगाए गए थे ईडी की तरफ से कि बकायदा देखिए किस तरीके से जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं वो अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है जेल मंत्री रहते हुए तो पूरा जेल अमला ही उमड़ पड़ेगा सेवा भाव के लिए, वो तस्वीरें साफ साफ दिखाई भी दे रही हैं। और चारों लोग हैं कौन, क्या फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस वाले हैं, वहां के कर्मचारी हैं, ये कौन लोग हैं कुछ अगर जानकारी? नहीं देखिए कुछ इसमें कुछ जेल से जुड़े लोग हैं और जेल के कर्मचारी हैं, जो नर्सिंग होम है वहां पर उसके स्टाफ है, तो ये वो तमाम लोग हैं, लेकिन आपको सिर्फ चार लोग ही दिखाई दे रहे होंगे सत्येंद्र जैन के अलावा आशुतोष। लेकिन मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि जो ईडी ने आरोप लगाया था कई संगीन आरोप लगाए थे और एक नहीं कई सीसीटीवी फुटेज दिए थे अदालत में, और शायद यही वजह है कि देखिए कितना बड़ा एक्शन लिया जाता है अगर आरोपों में दम था। हालांकि उस वक्त जो तत्कालीन डीजी थे संदीप गोयल और लगातार तमाम आरोपों को नकार रहे थे, लेकिन जब मामला बढ़ा और गंभीर हुआ उसके बाद ही न सिर्फ जेल स्टाफ का बल्कि डीजी का ही तबादला कर दिया गया। जो आईपीएस अधिकारी थे, एक ही आईपीएस अधिकारी होता है मैं आपको बताऊं जेल के प्रशासन के अंदर, बाकी जो स्टाफ होता है वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, तो ऐसे में किसी डीजी की कितनी चलेगी इसका अंदाजा भी आप लगा लीजिए कि वो हर चीज पर कैसी नजर रखता होगा, क्योंकि बाकी कर्मचारी तीन तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग दिन का, और ये पहला वीडियो आप देख रहे हैं जिसमें एक शख्स नजर आ रहा है और सारे वीडियोज में यही शख्स जो है वो मालिश करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा वीडियो भी आप देख रहे हैं जिसमें चार लोग नजर आ रहे हैं सत्येंद्र जैन के अलावा, और तीसरा वीडियो देख रहे हैं चंपी करा रहे नेताजी, ये चारों लोग ही नजर आ रहे हैं हर वीडियो में। अरविंद इनका क्या खास कनेक्शन? बिल्कुल और आपको बताऊं कि बस आप इस एक लाइन से समझिए कि सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा, बस यही हिसाब किताब है। अगर देखिए यहाँ तो मामला और बड़ा है, यहाँ तो जेल मंत्री ही है खुद। जी बिल्कुल, तो वही आपको बताऊं कि देखिए ऐसे में आप ये समझिए कि दिल्ली जो तिहाड़ जेल की फंक्शनिंग पहले समझिए, डीजी रैंक का जो अधिकारी होता है वो आईपीएस अधिकारी होता है, वो बाहर से ट्रांसफर होकर आता है, लेकिन उसके नीचे का जितना स्टाफ होता है वो सब दिल्ली सरकार के अंतर्गत ही आता है, चाहे जेल सुपरिटेंडेंट हो चाहे तमाम जेल के स्टाफ हो, तो ऐसे में किसी आईपीएस अधिकारी किसी डीजी की कितनी बनती हो कितनी चलती होगी आप इस बात का अंदाजा पहली चीज लगा लीजिए। दूसरी चीज ये लगा लीजिए कि अगर एक आरोपी एक ठग जेल के अंदर से जेल के दर्जनों अधिकारियों के साथ मिलकर 200 करोड़ की ठगी को अंजाम देता है, उसे गिरफ्तार करती है दिल्ली पुलिस, ईडी उसकी जांच करती है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि जेल की स्थिति क्या होगी। और ऐसे में अगर सत्येंद्र जैन जैसा कोई रसूखदार मंत्री जाएगा तो जाहिर सी बात है सेवा भक्ति भाव तो होना ही होना है, जब सुकेश जैसे एक महान ठग को इतना सेवा भाव। सबसे बड़ी बात यह है कि जब सुकेश चंद्रशेखर जब आरोप लगा रहा था तो आम आदमी पार्टी सिरे से नकार रही थी, लेकिन ये सबूत आने के बाद तो कहीं ना कहीं सोचना होगा सबको। जी बिल्कुल सोचना होगा, और सुकेश ने भी तो आरोप लगाए थे बकायदे, सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाए थे, अरविंद केजरीवाल पर लगाए थे, अशोक गहलोत पर माफ करिएगा एक उनके मंत्री हैं उन पर आरोप लगाए थे कि कैसे पैसों का लेन देन हो रहा था, हालांकि आम आदमी पार्टी ने उसे मनोहर कहानियां बनाया था और बताया था कि ये बीजेपी की मनोहर कहानियां हैं, हालांकि उसके बाद भी एक के बाद एक लेटर लिखता है। लेकिन अब ये जो सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं, जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन तमाम सवालों के जवाब भी देगी आशुतोष। तो देख सकते हैं तीन तस्वीरों को रख रहे हैं, पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सारे वीडियो को अगर कॉमन मिला लें तो क्या तस्वीर निकलती है, ऐश आराम, लेकिन यह कोई होटल या फिर कोई रिजॉर्ट नहीं है, यह है जेल, और जेल मंत्री रहे हैं सत्येंद्र जैन। किस तरह से पावर का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी हमलावर है इसको लेकर कई दिनों का यह वीडियो है, सीसीटीवी फुटेज है और जेल प्रशासन ने रिलीज किया है और यह वीडियो निकलकर आया है, देखिए जरा हाथों का पैरों का सब कुछ, ये चंपी करा रहे हैं, मसाज करा रहे हैं, मालिश करा रहे हैं, और चार चार लोगों की मौजूदगी में मिनरल वाटर भी साइड में पड़ा हुआ है, सामने टीवी लगा हुआ है, टीवी देख रहे हैं, लेकिन किस तरह से ये जो वीडियो अपने आप में काफी चौंकाता है, कई सारे खुलासे भी करता है।